शनि ग्रह अगर कष्टकारी से धो रहा है जन्मपत्री में, उसके लिए बहुत से लोग घोड़े के नाल का प्रयोग बताते हैं, करते हैं बहुत सारे लोग। कैसे उपलब्ध हो आसानी से, कैसे मिल जाए आपको, कैसे व्यवस्था करें, कैसे मैनेज करें उसको पाने के लिए, ये आप तय कर लीजिए पूर्व में। अगर अकस्मात आप कहीं जा रहे हैं और आपको घोड़े की नाल मिल जाए कहीं पड़ी हुई, अकस्मात, एक तो हुआ कि आपने अस्तबल में जाके मैनेज किया, उससे पैसे दे के लिया, और एक हुआ कि आपको मिल गई अचानक, वो बहुत भाग्यशाली होती है। और अगर ये शनिवार को मिले तो और भी भाग्यशाली होगी, और अगर शनि के नक्षत्र में मिले तो उससे भी ज़्यादा भाग्यशाली होगी, वो आप ले लीजिए, उठा लीजिए उसको। पहले बार जब वो उठा के घर चलें आप, तो उसको घर में अंतर एंट्री मत कराइए, घर के बाहर कहीं छोड़ दीजिए उसको, छुपा के, कोई ले ना जाए, घर में आ जाइए। सरसों का तेल लीजिए और उसको सरसों के तेल में डिप कर दीजिए, और डिप करके फिर उसको घर के बाहर ही रहने दीजिए। नेक्स्ट सैटरडे जब भी नेक्स्ट सैटरडे पड़े, और उससे अच्छा जब भी शनि का नक्षत्र पड़े, और उससे भी अच्छा शनि के जब होरा पड़े, यानी कि तीनों कॉम्बिनेशन मिल जाए, शनि का नक्षत्र हो, शनि का दिन हो, शनिवार हो, और शनि के होरा हो, ये अगर तीनों फॉर्चुनेटली क्लब कर जाते हैं उस मुहूर्त में, उस पात्र में से, तेल वाले में से उस घोड़े के नाल निकाल लीजिए और घर में ले आइए, उसको साफ कर लीजिए, पोछ लीजिए, और घर में ये टांगिए। लोगों का एक सामान्य प्रश्न होता है कि उल्टी टांगे सीधी टांगे, देखिए कहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर लोगों ने मेरी किताबें पढ़ी होंगी तो मैंने अक्सर इसमें लिखा है कि मैंने बहुत सारे केसेस में उल्टी घोड़े के नाल टंगवा के बहुत अच्छे प्रभाव देखे, और बहुत सारे ऐसे हैं कि सीधी उन्होंने टांगी। सीधी का मतलब आप यू शेप में ले लें या उल्टे यू शेप में ले लें, कैसे भी आप टांगे इसको, टांगना उस ऑस्पिशियस मोमेंट में है जो मैंने तीन आपको बताए, इसको टांग दीजिए। और अगर लगे कहीं कि प्रभाव में कुछ कमी है, इनइफेक्टिव लग रहा है, तो फिर उसी नेक्स्ट सैटरडे को या नेक्स्ट सैटरडे की शनिवार की नक्षत्र में या नेक्स्ट शनिवार की सैटरडे की होरा में, शनि की होरा में उसको, उसका डायरेक्शन चेंज कर दीजिए। अगर उल्टी है तो सीधी कर दीजिए, सीधी है तो उल्टी करके टांग दीजिए। ये जनरली घर से अंदर की तरफ आते हुए टांगी जाती है, इसका अलग अलग विधान है। दुकानों में टांगेंगे तो बाहर की तरफ फेस हो या अंदर की तरफ फेस हो, यानी कि बाहर से आते हुए दिखाई देनी चाहिए। घर में टांगते हैं तो जब घर से बाहर निकले तो बाहर जाते समय दिखाई देनी चाहिए। ये टांग दीजिए इसको आप, और जो तेल है आपका जिसमें आपने इसको डिप करके रखा था, वो जो शनि दान वाले आते हैं डकौत, उनको आप दान कर दीजिए। बस देखिए आप इसको शनि का उपाय नाल के लिए कितना अच्छा सिद्ध होगा आपके लिए, इसको करके देखिए आप।